ये बात की जिला परिषद और विधायक भी अपना इस्तीफा दे दे और कट्टर का पाछा धरतिया में टिक जा। इस्तीफा तो हमने इसलिए दिया था, जब हमने इस्तीफा दिया तो सोच के दिया था कि बाकी जिला परिषद में इस्तीफा देंगे, और महाराष्ट्र इस्तीफा देते ही दुष्यंत चौटाला ने प्रत्येक जिला परिषद के अंदर 31 करोड़ रुपए का ग्रांट दे दिया तुरंत। सोचने की बात है जी, उससे पहले पूरी 5 साल में 30 से 32 करोड़ रुपए दिए जी जिला परिषद में, और केवल एक महीना में 31 करोड़ रुपए। मेरा क्या गेम था भाई, कदे सारे जिला परिषद वाले 2 महीने रह रहे हैं, कदे इस्तीफा दे जा और कदे ये सारे के सारे आंवले कटा के शहीद हो जाओ। दंता ने रुपया रूपी बेल जिला पार्षद का पैरा में घेर दी भाई साहब, और इस्तीफे जो दे रहे थे जो गोद में घाल रहे थे थोड़े रुके भाई, थोड़े रुके। हमने कई हमारे मित्रों से बात करी, बोला जी ना इन कौन देवा रुपये आगे। उसने दो काम करे, एक तो जिला पार्षद के अस्तित्व रोके, और दूसरा काम बता दूंगे भाई, नकद 10% ले गया, नकद 10%। महाराज चेयरमैन एक सरपंच से बात कर रहा था, लेकिन इस आंदोलन को जीत लो हिंदुस्तान के अच्छे दिन आएंगे, किसान के अच्छे दिन आएंगे, मजदूर के अच्छे दिन आएंगे, गरीब के अच्छे दिन आएंगे, सबके अच्छे दिन आएंगे अगर ये आंदोलन हम जीते तो। ये लंबी लड़ाई है, लंबा संघर्ष है, और हमारे नेताओं को सुन करके पुतला जला करके और उसके बाद फिर आप अपने अपने घरों की तरफ निकलेंगे। आपने आज जो हमारे आह्वान के ऊपर बहुत सारी समस्याओं के बीच सारी चीजों को दूर करते हुए आप जो यहाँ इतनी संख्या में पहुंचे, इसके लिए मैं आपको शीश झुका करके बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी देता हूँ, आपके सामने मैं वंदन भी करता हूँ इस बात के लिए। और अब मैं अपील करूंगा जो साथी है वो अपनी बात रखेंगे। बुलाऊंगे एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। मेरी माताओं बहनों से भी प्रार्थना है, और पुतला जय किसान। पता लग जाएगा कि हम काला क्या है, बता पाए थे नहीं बता पाए थे, दूर का दूर है और पानी का पानी हो जाएगा। यदि हम नहीं बता पाएंगे तो हमारा किसान समाज महसूस कर देगा, और यदि हम न बता पाएंगे तो सरकार का प्रभाव हो जाएगा। दो आदमियों जो कानून अपने देश में लाए जा रहे, और जब अमर सर से गरियावाला बाग की मिट्टी लाए थे क्योंकि अगुवाओं को तिलक करना था, तो मैं 3 दिन मेरे साथियों के साथ अमृतसर रहा। जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो हकीकत, मैंने वो चीज देखी है, वहां कोई भी किसान नहीं था। एक जानकार थे दरबारी लाल जो पंजाब केसरी में लेख लिखते हैं, हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने 20-30 किसान बता के लोग इकट्ठे किए, हसवाई हल्का दिक्कत चल गया। उस सरकार वो 20-25 आदमी जो बाजार के थे उनके मुख से एक बात निकली कि पंजाब छोटा बड़ा पराया है और हरियाणा छोटा पराया है, यानी किसान की जो अब यहाँ बॉर्डर के ऊपर जो मिलाप हुआ है वो एक बनावटी नहीं, वो दिलों का मिलावट मिल गए हैं दिल, और उनके पंजाबियों के हर बाजार के लोगों में भी ये बात आ गई है, भावना आ गई है कि पंजाब हरियाणा को किसी भी चीज से इनकार नहीं करेगा। अगर किडनी मांगोगे तो किडनी देने के लिए पंजाब का तैयार है। और भाइयों पहचान कर लो, जयचंद आंदोलन में भी आगे से ध्यान करो, बाबा मंगल सिंह खरेड़ उम्र किसान आंदोलन लिया है, जयचंदों की पहचान करो, किसान आंदोलन में भी जयचंद आकर गए। धन्यवाद। वही लोग आते हैं जो सक्रिय आगा खींचते हैं, आगा खींचने वाले सब लोग थे और एकदम सफल रही है, सफल रही है जी। तो कुछ राजनीति में नहीं है, कुछ क्या लगता है आपकी? नहीं, आज के मंच पर राजनीतिक कार्यकर्ता को सब जैसे आपको जैसे किसान आने से रोका गया है यहाँ तक सहमत ना, जहाँ तक हमारा जैसे रवि जी कह रहे थे पूरी कोशिश, और जो विपक्ष के नेता थे आपके हर प्रोग्राम में हर गाँव में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं किसानों को लेकर, लेकिन आज यहाँ पे
वो कोई नेता नजर नहीं आया जो रोज टोलों पे बोलते हैं दादा के। जो गांव में प्रोग्राम होते हैं ना सर मुन्ना जी, उसमें राजनीतिक अपना चोड़ा छोड़ के और हमारा समर्थन देता है ना, तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ झंडा लेके यहाँ हमारे पास आएगा, हम उसका विरोध करेंगे। झंडा लेके तो वहाँ भी नहीं जाते, वो खाली किसानों की बात करते। यहाँ नहीं आया आज, यहाँ नहीं आया, क्या बताए, दो मुंह साफ होंगे, इधर से वो खींचते हैं उधर से वो खींचते हैं, क्या पता क्या। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कहेंगे, दो शॉर्टकट शब्दों में। शॉर्टकट शब्द यह है कि इसमें कृषि मंत्री ने जो किसान की हालत पर जो बोल लिया है, ये बहुत ही निंदनीय है, शोभनीय है, क्योंकि पद पर बैठे हुए मंत्री को ऐसा कुछ बोल रहा है, और वो भी कृषि मंत्री ने, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। किसान आज किसान की पगड़ी को उछालने का काम किया है और किसान उसको आगे आने बड़े हुए इसी जी। हाँ जी। है पड़ोस में कुत्ता मर जाता है दुश्मन का, तो भी अफसोस करते हैं भाई कुत्ता मर गया। और ये तो 251 शहीद हुए हैं वहाँ बॉर्डर पर, तो देश के लिए शहीद है, किसानों के लिए शहीद हुए हैं, कुछ लिए देव पिंदलाल का वो बयान है ना, वो बहुत निंदनीय है। थैंक यू साहब सज्जन जी, हमारे साथ बातचीत के लिए।